एवरीवन, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि आप अपने टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपके टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हो। जितनी जल्दी लाइक्स आने लगेंगी वैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आपके टॉपिक्स भी कवर होंगे इस चैनल पे। एंड तो आप अपने टॉपिक्स को लिखते रहिए। साथ साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DMLT के बारे में, दैट मीन्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको मेडिकल लेबोरेटरी के एंट्री लेवल का जॉब करना है या फिर आपको प्रोफेशनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनना है तो आप DMLT कोर्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो DMLT कोर्स है ये एक पैरामेडिकल कोर्स है और इसमें जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका काम होता है किसी भी डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाना, यानी कि टेस्ट करना। तो वो सारे टेस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें आपको क्लासरूम लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सेमिनार्स एंड इंटरनल असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वाइवा टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें यू नो करवाई जाती है। तो ये एक तरीके का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको अगर DMLT कोर्स करना है तो सबसे पहले क्लास 12th PCB स्ट्रीम से पास आउट करना होगा, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, अदरवाइज आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हो। तो बायो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मिनिमम आपके 45-50% हो सकते हैं। इस कोर्स में ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को कवर किए जाते हैं, जिससे आपको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके एंड जिससे आप इक्विपमेंट्स या फिर कोई भी टेस्ट को हैंडल करना सीख जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो द एडमिशन प्रोसेस इन एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ नॉट सेम। एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, एंट्रेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं है DMLT कोर्स के लिए जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। सो कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हो जाता है, जैसे PDM यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। चलिए अब हम टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं जहाँ पे DMLT कोर्स ऑफर किए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको CET का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। फ़ी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख लग सकता है इस कोर्स को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर में है, एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट वन इज़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो DMLT कोर्स प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं फीस कितनी लगती है DMLT कोर्स को करने के लिए। तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, एक एवरेज फ़ी लेके चले तो 5000 मिनिमम 5000 टू 1 लाख अप्रॉक्स लग सकता है DMLT कोर्स को, फुल कोर्स को करने के लिए। गाइस फी डिपेंड करेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इट्स नॉट फिक्स, लेकिन मैंने एक एवरेज बता दिया आपको। चलिए अब हम आप बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है DMLT कोर्स को करने के लिए, क्या पर्पस है अगर आप DMLT कोर्स करते हो तो क्या किस टाइप का आपको जॉब मिलेगा और वो जॉब आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, या इसके अलावा आपको कुछ करना होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑन कम्प्लीशन ऑफ DMLT कोर्स आप मेडिकल क्लिनिक्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट। इसके अलावा आप प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड मेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, जिस पैथोलॉजी और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में। चलिए हम आपको कुछ कोर्सेज के नाम बता देते हैं जो PG डिप्लोमा कोर्सेज हो सकता है या सर्टिफिकेट कोर्स या फिर UG कोर्सेज यानी कि डिग्री कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले पीजी डिप्लोमा की बात करते हैं, तो पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल जेनेटिक्स एंड मेडिकल लेबोरेटरी, इसके अलावा है पीजी डिप्लोमा इन लेबोरेटरी सर्विसेज कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज की बात करें तो बीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं जो कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एंड बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी कर सकते हैं। एंड चलिए अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, तो इसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स किस में कर सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट एनेस्थेशिया टेक्नीशियन में कर सकते हैं आप सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसके अलावा है सिटी स्कैन टेक्नीशियंस, एमआरआई टेक्नीशियंस, एक्सरे, डेंटल मशीन, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, नर्सिंग होम आप जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एंड गाइस बेसिकली डीएमएलटी कोर्स वो लोग करना चाहते हैं जिनके पास टाइम कम है, कम समय में वो जॉब करना चाहते हैं या फिर वो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने कोर्स पे। तो डीएमएलटी कोर्स करने के बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसको करने के बाद या कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स ज़रूर कीजिए जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सके। कोई भी क्यूरीज है डीएमएलटी कोर्स से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड करियर से रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।